Hey, what is up guys, welcome to the new vlog and welcome to the first video of 2022. So in this video we'll be talking about our future plans, future goals of this channel, mistake that I made in 2021 which I don't want to repeat in 2022, aur video ke beech mein ek special announcement bhi hai, wo miss mat karna bilkul. So let's get started. So let's talk about 2021 first. It was the year full of surprises, learning, happiness and setbacks as well. So the initial months of the year, this channel did wonders. Hamari ek video viral hui, Republic Day wali, aur bhai us video pe 3 lakh views aur wo first video thi hamari jisne 1 lakh ka mark cross kiya. वो देख के तो मैं बहुत खुश हो गया था. लेकिन मेन बात तो स्टार्ट हुई मार्च में जब मेरी एक और वीडियो वायरल हुई जिसके बाद तो भाई मेरे चैनल पे 4 दिन के अंदर अंदर 50,000 सब्सक्राइबर्स आए. उसके बाद से तो मानो भाई मेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया. मेरे को बहुत प्यार मिलने लग गया, बहुत सपोर्ट मिला, बहुत फेम, बहुत पैसा, ब्रांड्स सब आ रहे थे मेरे पास अच्छे से. वो काफी सही था मेरे लिए, बहुत गोल्डन टाइम था वो. बट एज द मंथ्स पास्ड बाय, एक बोलते हैं ना धीरे धीरे कि एक रूम से सनलाइट जाना, वैसा हो गया बिल्कुल. देन वी एक्सपीरियंस अ टेरिबल वेव ऑफ कोविड जिसकी वजह से हमने बहुत सारे अपने क्लोज वंस खोए और हर जगह एकदम नेगेटिव एटमॉस्फेयर हो गया था. पूरे में कुछ करने का मन नहीं कर रहा और हमारे चैनल के व्यूज भी बहुत डाउन जा रहे थे. उन दिनों मैंने घर बैठे बैठे काफी सारी वीडियोस बनाई, काफी काफी अलग अलग चैलेंजेस करे, काफी हटके कंटेंट बनाया और धीरे धीरे हमारे व्यूज बहुत ज्यादा गिरते गए. मतलब कैन यू इमेजिन 1 लाख व्यूज से लेके 1K व्यूज नाउ, लॉल. तो ये बात तो थी 2021 की जिसको उठा के हमने पीछे फेंक दिया है. अब बात करते हैं 2022 की. सो आवर गोल्स एंड एम्स आर वेरी मच क्लियर इन 2022. तो सबसे प्राइमरी गोल हमारा होगा कि हमें फिट रहना है, बोथ मेंटली एंड फिजिकली. एकदम अच्छी डाइट लेनी है, जंक फूड छोड़ना है, और जंक फूड से मतलब है कि ये सब छोड़ना है. फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, अपने स्किल्स पे वर्क करना है, एक नई स्किल सीखनी है और ट्रिप्स के लिए पैसे बचाने. मैं सोच रहा हूँ इस साल 3 ट्रिप्स तो मिनिमम मारू ही मारू पक्का. बाकी जो स्पेशल अनाउंसमेंट की बात मैं कर रहा था वो अनाउंसमेंट है कि हमने बनाया अपना नया शॉर्ट्स चैनल DJV शॉर्ट्स. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लो. उस चैनल पे हम डालने वाले बहुत अलग अलग शॉर्ट्स. हमारा मेन फोकस होगा उसमें फूड शॉर्ट्स, बाकी चैलेंजेस आएंगे, प्रैंक्स आएगा, बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हम. तो वो तो बहुत एक फन चैनल होने वाला एकदम. तो सब्सक्राइब कर लो DJV शॉर्ट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी होगा, सब्सक्राइब कर लो. मेरे को उम्मीद है कि वो चैनल अच्छा ग्रो करना चाहिए. तो ये तो गोल्स हो गए मेरे पर्सनल गोल्स जो मैंने सोचे थे. अब बात करते हैं इस चैनल की गोल्स की. भाई चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो चैनल गोल्स की बात करते हैं. फर्स्ट गोल होने वाला है टू बी कंसिस्टेंट. भाई आज डेट है 9 जनवरी और कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, वाह क्या बात है. बट कंसिस्टेंसी में हमारा पूरा ध्यान रहेगा, पूरी कोशिश रहेगी मैं कंसिस्टेंसी पे ज्यादा ध्यान दूं और ये हमारा मेन फोकस रहेगा चैनल का. दूसरी चीज ये है कि मैंने सोचा कि मैं चैनल पे अलग अलग कंटेंट ट्राई करूँ, फूड वीडियोस, फूड चैलेंजेस, कुछ अच्छी वीडियोस, व्लॉग्स भी आते रहेंगे, साथ में फूड पे ज्यादा ध्यान रहेगा. तो ये मैंने सोचा है. तीसरी चीज मैंने सोची है कि इस वाले चैनल पे जो ऑडियंस है वो बेसिकली थोड़ा अलग टाइप का कंटेंट पसंद करती है और मैं जो है वो अलग टाइप का कंटेंट बनाता हूँ. तो मैंने डिसाइड किया है कि इसको रखेंगे 2:1 का रेशियो. 2 ऐसी वीडियोस आएंगे जो आप चाहते हो वैसी वीडियोस, लाइक फूड वीडियोस या चैलेंज वीडियोस, और एक वीडियो ऐसी होगी जैसी मैं चाहता हूँ डालना, जैसे व्लॉग्स वगैरह हो गया. तो 2:1 का रेशियो रहेगा तो बेटर रहेगा मेरे लिए भी, आपके लिए भी. आपको मजा आएगा, मेरे को मजा आएगा देखने में, बनाने में देखने में मजा आता ही मेरे को. एंड आई हैव प्लान सम क्रेजी स्टफ, बहुत सारे सरप्राइजेस मैंने प्लान किए हुए हैं. बस चीजें प्लान के अकॉर्डिंग चले जाए तो भाई मजा आ जाएगा, कसम से कह रहा हूँ. बाकी बहुत मजा आने वाला है. जो चीजें मैंने सोची है ना अल्टीमेट चीजें हैं जिसमें बहुत नई नई चीजें भी आने वाली हैं. तो चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत कुछ सामने आने वाला है बहुत जल्दी में. मैंने प्लानिंग चल रही, धीरे धीरे काम चल रहा है हर चीज पे. बाकी 2021 गया, अब आने वाला 2022 और मैं लिखवा सकता हूँ कि 2022 हमारा होगा. आई एम रेडी फॉर 2022. Are you?